देखिए, पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की दाम घटना शुरू हो गया है। हमने पहले भी कहा था, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की दाम घटेगा, पूरा का पूरा फायदा हम कंज्यूमर तक पहुंचा देंगे, ग्राहक को दे देंगे। हमने अपने वादे के मुताबिक अभी इन दिनों में पेट्रोल डीजल की दाम घटना भी शुरू हुआ है, उसकी लाभ हम लोग कंज्यूमर को देना भी शुरू कर दिए है। एलपीजी की दाम भी घटना शुरू हो गया है, आने वाले दिनों में और घटेगा। देखिए, बंगाल में दो फेज की चुनाव खत्म हो गया है, तीसरे फेज की चुनाव आज 4 तारीख है, आज चुनाव की अंतिम प्रचार की दिन है थर्ड फेज के लिए, शाम तक उसकी भी प्रचार की अवधि खत्म हो जाएगी। थर्ड फेज की चुनाव होगी, जिस ढंग से पहला और दूसरे चरण में बंगाल की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा जताई है, डबल इंजन की सरकार के बारे में विश्वास जताई है, इसमें से यहाँ की मौजूदा मुख्यमंत्री घबरा गई है। गाली गुलज, गुस्सा, अपशब्द पे उतर चुकी है, यहाँ तक पहुँची है। मैं आज दक्षिणेश्वर काली माँ के आशीर्वाद लेने के लिए आया था। हमारे यहाँ की युवा और जुझारू प्रत्याशी श्री राजू बनर्जी मेरे परम मित्र हैं। हम लंबे समय से युवा छात्र संगठन से काम करते आए हैं। राजू भाई के लिए, मैंने राजू दा के लिए जनता के आशीर्वाद मांगने आया हूँ। माँ के सामने हमने प्रार्थना किया और हमारी सौभाग्य है दक्षिणेश्वर काली माँ के पास हम सभी के प्रेरणा के स्रोत गुरु परमहंस जी, रामकृष्ण परमहंस जी यही साधक थे। ममता जी एक तरफ जय श्री राम को गाली मानती है, दूसरी तरफ कहती है कि सारे माइनॉरिटी एक होके हमें वोट दो। सांप्रदायिक तनाव, जातीय तनाव ममता जी की नीति बन चुकी है। समृद्ध बंगाल की जनता उसकी जवाब देगी। आने वाले 2 मई में उनका पराजय सुनिश्चित है। तोलाबाज, टाका लेने वाले सरकार, घूसखोरी लेने वाली सरकार के समय खत्म होगा, डबल इंजन की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। सर, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया रोड शो में कि बीजेपी हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम कर रही है। कौन काल कहा कि माइनॉरिटी की वोट हमें चाहिए? मोदी जी एलपीजी गैस दिया, क्या हिंदू मुसलमान को अलग करके दिया या सबको दिया? अम्फान में हमने दिल्ली से पैसा पहुंचाया, ये अलग बात है। अम्फान की पैसा इन्होंने यहाँ खा गया, क्या हमने हिंदू मुसलमान करके अलग दिया था क्या? हमने कोरोना के समय में हर एक महिलाओं की जनधन खाते में 1500 रुपया पहुंचाया, क्या हम मुसलमान बहनों के खाते में नहीं दिए क्या? हर एक व्यक्ति को 5 किलो चावल हमने कोरोना के समय में उपलब्ध कराया, क्या हम हिंदू मुसलमान के नाम पे दिए? सबके साथ, सबके विकास, सबकी विश्वास हमारी नीति है। ममता जी तो रामकृष्ण को गाली देने वाले लोग हैं, राम के नाम सुनने से उनको गाली लगती है, उनको बेइज्जत लगती है। कौन जातीय तनाव करता है, कौन सांप्रदायिक बात कहता है, ये जनता समझती है। ममता बनर्जी ने कल हरे कृष्ण हरे हरे भी लिया, चंडी पाठ भी किया और रामकृष्ण परमहंस को भी कोट करते हुए कहा कि माँ और अम्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी कहा कि हैदराबाद से एक आदमी आया और कुरकुरा शरीफ का एक आदमी है, वो डिवाइड करने ना दे, वोट बीजेपी ने करोड़ों रुपए दिए। देखिए, ममता जी को थोड़े देर में जय जगन्नाथ भी बोलना पड़ेगा। मैं तो उनको अनुरोध किया हूँ, दीदी आप थक गए हो, आपकी भाईपो बंगाल की युवाओं के अधिकार को लूट रहा है, आपकी गुंडाबाज, आपकी सत्ता की सौदागर बंगाल की जनता की अपेक्षा को धूलिसात कर रहे हैं। आप आइए, पुरी में विश्राम करिए, चंडी पाठ, दुर्गा पाठ, नमाज जो पढ़ना है पढ़िए, जय जगन्नाथ भी कहिए। ममता बनर्जी बोल रही है कि जो उनकी चोट पर सवाल उठाया गया पूरी बंगाल की बनो। देखिए, नंदीग्राम ने उनकी जवाब दे दिया है, नंदीग्राम में बड़ी वोट की अंतर से पराजित होगी, तब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, 2 मई को पता चल जाएगी। नंदीग्राम पे उन्होंने कल कहा है कि बीजेपी ने डराया लोगों को और वहां कहा है कि आपके बच्चों को किडनैप करने में आपकी जो घर में महिलाएं हैं उनको उठा लेंगे।
देखिए, जब मैं 29 को एक उदाहरण का याद दिलाना चाहता हूं, 28 रात 29 रात ये दो दिन ममता दीदी नंदीग्राम में गुजारी थी। 29 रात को जिस घर में रहती थी उसी की 5 किलोमीटर दूर में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता का 4 टीएमसी गुंडाओं ने रेप किया। क्या बात करती है ममता दीदी, भ्रष्टाचारी अत्याचारियों की सरगना है। उनकी भतीजा भाईपो बंगाल की सबसे बड़ा गुंडा है। सर, ममता बनर्जी बोल रही है इलेक्शन कमीशन सेंट्रल फोर्स, वो हारने की डर से बोल रही है।